अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, हम आज के भीरा सर्विस एरिया पे आए हैं और आज आपको इसकी मौजूदा सूरत हाल दिखाते हैं। देखें, कोरोना वायरस की वजह से लोग जो हैं वो घरों में इस तरह क्वारंटीन हैं कि मतलब ये है कि उन्होंने निकलना छोड़ दिया है। और यहाँ पे इतना रश हुआ करता था कि अब इधर मतलब ये है कि ना होने के बराबर है। लेकिन कुछ ना कुछ वजूहात तो हैं कि इस पे लोग, सारी दुनिया के ममालिक इस पे सख्त एक्शन ले रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम को कॉन्स्परेसीज में जाने के बजाय इस चीज़ को समझना चाहिए कि वाकई इसमें रियल थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से दुनिया सारी क्वारंटाइन है और अपनी मीशत सबकी ख़राब हो रही है। लेकिन ज़रूरी है कि हमें इस बात को बागौर और बखूबी समझना चाहिए कि हमें अपने घरों में रहना चाहिए और हमें जितने जिस हद तक भी हो सके कम और कम अपने घरों से बाहर निकलें। ये देखें, बस तीन चार ब्रांड्स खुले हैं लोगों की फूड्स के लिए और ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब इतना थोड़ा बहुत जो है लोगों को खुराक मिलती रहे और लोग अपना निज़ाम चलाते रहें, क्योंकि ये ब्रांड्स जो हैं ये काफ़ी सेहत के ख्याल से काफ़ी अच्छा करते हैं। मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि मतलब किसी चीज़ पे कोई किसी मिसहैप ना हो। तो नाज़रीन, इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी एहतियात करें, घरों में रहें और अपने बच्चों की हिफाज़त करें और मतलब ये कि इस चीज़ को सीरियस लें, ना कि इस चीज़ को कंस्पिरेसीज पे कान धरें कि कोरोना नहीं है, यहाँ पे कोई वबा नहीं है। ये चीज़ें बहुत गलत हैं, ये आने वाले के लिए नुकसानदेह हैं आने वाले वक्त में, और आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए, आपके अजीज़ों के लिए। और इस चीज़ को आप करें, क्योंकि सारी दुनिया कर रही है। एक आधे आदमी की बात होती तो चलो फिर भी कंस्पिरेसीज काम करती हैं, लेकिन जब सारी दुनिया और इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और इतनी बड़े बड़े उनके पास फैसिलिटीज़ हैं और वो अगर इन चीज़ों पर पाबंदी कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमें भी इस चीज़ पर सीरियस एक्शन लेने चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह।